फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने चैनल का यूआरएल के लिए कब क्लेम कर सकते हैं और यूआरएल क्यों जरूरी है। उसके लिए आपको क्लेम करने के लिए आपको सब्सक्राइबर करीब 100 से ऊपर होना चाहिए। और जो यूआरएल होता है आपको देखिए, जो youtube.com बहुत सारा जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपको ये चैनल का नाम आएगा, आपका यूआरएल मिल जाएगा तो आपका सर्च लिस्ट में बहुत जल्दी आ जाएगा आपका चैनल के वीडियो, चैनल बहुत सारा चीज़ से इससे प्रॉफिट है। और अगर आपका चैनल अगर बैन हो गया तो आप उसको क्लेम कीजिएगा तो यूआरएल का आवश्यकता पड़ती है चैनल के यूआरएल के लिए, जो आसानी से मिल जाएगा आपका यूआरएल चैनल का मिल जाएगा। तो चलिए कैसे अपने यूआरएल के लिए अप्लाई करते हैं और क्लेम करते हैं। सबसे पहले आपका चैनल का जो लोगो उस पर क्लिक करें और जो चक्री जैसा लिख रहा है यूट्यूब सेटिंग उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एडवांस है इस पर क्लिक कर दें। देखिए ऑप्शन आ जाएगा, देखिए लिखा यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यू आर एल क्लेम इट। और आपको आपको 100 सब्सक्राइबर हो जाता है तो यहाँ पर लिख ही दिया जाता है यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम यू आर एल। इसमें नहीं लिख रहा है मेरा 100 सब्सक्राइबर हो गया है, तो चलिए हम क्लेम करते हैं यहाँ करते हैं। और फिर इसके बाद आपको यहाँ आई कैप कर देना है, यहाँ टिक मारकर और चेंज यूआरएल पर क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद कंफर्म कर देना है। ये आपका क्लेम हो गया, देखिए मेरा यूआरएल भी आ गया, देखिए मेरा यूआरएल आ गया। अगर आपका 100 सब्सक्राइबर से कम होगा तो नहीं आता, देखिए आने लगा ना सिल्ली कर सब्सक्राइबर। अगर आपका इलीगल क्लेम इट नहीं रहता है तो यू आर इलीगल फॉर यहाँ पर लिखता है ना, आप यहाँ से क्लिक करके कर लेते हैं। अब देखिए मेरा सब यू आर लिखने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।